चलिए बात करेंगे भानु प्रतापपुर की, जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेसकर्ता यहां कार्यकर्ता यहां मौजूद है। यहां पर सीएम भूपेश बघेल 4 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल भानु प्रतापपुर पहुंचे हैं, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। सीएम भूपेश बघेल यहां 4 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल जो है भानु प्रतापपुर पहुंच गए हैं और ये तस्वीर सीधा आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से लोग जो है स्वागत करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं और एक आम सभा को संपन्न करके सीएम भूपेश बघेल दूसरे आम सभा में आए हैं और ये जो स्वागत सत्कार है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। सर, एक आम सभा को संबोधित करके अभी आप आ रहे हैं। जी, जबरदस्त माहौल है, सभी जगह सावित्री मंडावी को एक तरफा जीत हासिल हो रही है। सर, हम भी करीब 20 दिन से है पूरे क्षेत्र घूम रहे हैं, देख रहे की मनोज मंडावी ने जो काम किया है उसके प्रति लोगों का जो रुझान है वो काफी ज्यादा। वो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, एक परिवार के सदस्य की तरह जुड़े थे और सावित्री मंडावी को श्रद्धांजलि स्वरूप सब लोग आशीर्वाद देंगे। सर, अभी एक ट्रेंड चल रहा है काम वर्सेस कांड। बिल्कुल सही बात है, एक तरफ मनोज मंडावी के काम है और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कांड है, जिससे भारतीय जनता पार्टी तो चाहिए अपना वापस ले कैंडिडेचर। हमने एक चीज देखा है कि कांग्रेस ने तो बाकायदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया कि ब्रह्मानंद नेताम जो है आरोपी है, लेकिन बीजेपी उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। एक बलात्कारी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है। मोदी जी का तस्वीर भी लगा रहे हैं उनके। मोदी जी की तस्वीर लगाए बलात्कारी के साथ, अपमान है प्रधानमंत्री का। सर, ये माना जाए 4 उपचुनाव की तरह अभी चुनाव में हैट्रिक आप कांग्रेस पार्टी मारे। बिल्कुल एक तरफा जीत होगी। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सीएम भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 4 उपचुनाव हमने जीता, इस बार भी उपचुनाव हम बड़ी बहुमत से जीतेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ में कुलेश्वर पांडे, भानु प्रतापपुर।